नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बता दूं, शायद से इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग खुश हो जाएं और कुछ लोग नर्वस हो जाएं, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य नहीं है। बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो कि वर्तमान समय में रूल है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज केवल हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो डिजिटल प्रिंसिपल के माध्यम से आपको दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है TGT PGT PRT के लिए परमानेंट पोस्ट पर, उससे संबंधित। तो चाहे हम जो अभी आपको कुछ दिन पहले शिक्षक भर्ती देखने को मिली है उसकी बात करें, या फिर जो भविष्य में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी उसकी बात करें, और या फिर जो आपको 2020 के स्टार्टिंग में PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसकी बात करें, क्योंकि अभी तक उसका एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि इनके जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या होता है, जितने भी पदों पर हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, जितने भी पद खाली होते हैं शिक्षकों के लिए, उन्हें कैटेगरी वाइज व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की इतनी सीट खाली है, इतने पदों पर हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिले, ओबीसी कैटेगरी के इतने पदों पर हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिले, एससी के लिए इतने हैं, एसटी के लिए इतने हैं। तो जब हम इसमें दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं SC ST रिजर्वेशन की, तो इनके लिए जो भी रिक्रूटमेंट हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं शिक्षक भर्ती, जितने भी उसमें पद दर्शाए होते हैं, PRT की बात करें या फिर TGT PGT के जिस भी विषय की हम बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, जितने भी पदों पर उनके लिए भर्ती निकली है वो तो उनकी होती होती है, बाकी जितने पदों पर जनरल कैटेगरी की भर्ती निकली है वो भी उनकी होती है। तो वो ये ना सोचे कि केवल मान के चलो कि अगर मान के चलो दो या तीन अगर किसी रिक्रूटमेंट में आपको भर्ती देखने को मिले, या 10 मिले, 15 मिले, 20 मिले, SC ST वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो सोचेंगे केवल हमारे लिए तो 20 ही पदों पर निकले, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो 20 पदों पर निकले वो तो निकली है, बाकी जो जनरल कैटेगरी के जितने भी पदों पर शिक्षक भर्ती निकले वो भी आप ही के लिए होते हैं। अब ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता दूंगा। बाकी अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ ये दोस्तों वर्तमान समय में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, बाकी भविष्य में इसमें परिवर्तन हो ना हो वो बात अलग है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है। बिल्कुल SC ST OBC और जनरल, ठीक है, सभी का मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूँगा, A to Z इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा दिल्ली में जो आपको DTPSC के माध्यम से शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, अगर आप जिस भी कैटेगरी के लिए, तो आपके लिए कितने पदों पर शिक्षक भर्ती निकली है और वो कैसे निकली, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं आपको TGT का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जो मैं आपको इसमें रूल बताऊंगा या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वही सारी की सारी उस पर भी लागू हो जाएगी, चाहे हम नर्सरी टीचर की बात करें, PRT की करें, TGT या फिर PGT की करें। ठीक है, तो सब पे यही रहेगा। एग्जाम्पल मैं आपको TGT का देके बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं हम TGT मैथ। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप हर नोटिफिकेशन में देखते हो कि कैटेगरी वाइज आपकी खाली पोस्टों को विभाजित किया जाता है, इधर जनरल लिख लेते हैं हम। अब मानकर चलो कि जर्नल के लिए सीट निकली है TGT मैथ के लिए 50, OBC के लिए निकली है 30, और SC के लिए निकली है 20, और ST के लिए निकली है 10। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितनी पोस्ट हो गई दोस्तों, 110। अब आप ये देखोगे नोटिफिकेशन में कि भाई SC के लिए तो केवल 20 निकली है, ST के लिए केवल 10 निकली है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको कैसे काउंट करना पड़ेगा, जो जर्नल की सीट है वो भी SC ST कैंडिडेट की होती है। अब वो कैसे होते हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो अब आप अगर देखोगे कि SC के लिए कितनी सीट निकली है, तो 50 तो जनरल की होगी और BCA वाले की, टोटल कितनी सीट होगी TGT मैथ के लिए, 70 SC कैटेगरी के लिए। ST की बात करते हैं तो 10 तो ST की खुद की हो गई, और जनरल की कितनी होगी, 50, तो ST की कितनी हो गई, 60 सीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है, टोटल 110 में से SC की जो ये रिक्रूटमेंट निकली है एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब जो भी निकली जितनी भी निकली उस हिसाब से आप देख लेना, या फिर जो भविष्य में जो विषय बच गए हैं जिन पर निकलेगी, या फिर PGT की जो निकली थी तो उसमें अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, जितनी भी निकली है तो जितनी तो सीट जिस कैटेगरी में निकली है उतनी तो है ही उसकी, बाकी जनरल की भी उसी की सीट होती है रिजर्वेशन की। ठीक है, SC ST की जब हम स्पेशली बात करते हैं, तो इस उदाहरण के दौरान तो आप देख सकते हैं SC ST की कितनी सीट है। अब ये कैसे भाई इतनी सीट है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब मानकर चलो मैं आपको यहीं से स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जैसे कि SC की 20 है, ST की 10 है। अब मानकर चलो ST कैंडिडेट 10 नहीं मिलते ना, मतलब अभ्यर्थी ऐसे है नहीं जो क्वालिफाई कर पाए एग्जाम को, तो जो इसकी खाली सीट है ना वो किसे दे दी जाएगी दोस्तों, SC को दे दी जाएगी। अगर SC क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसकी खाली सीट किसे दे दी जाएगी, ST को दे दी जाएगी।
ठीक है, तो इनकी जो खाली सीटें हैं तो आपस में बांट सकते हैं। एस सी एस टी की सीट ओबीसी को नहीं दी जाएगी, जनरल को भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर इनकी आपस में खाली सीट है तो आपस में एक दूसरे को बांट सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा हमेशा नहीं होता, कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि सीट खाली चली जाती है, एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। जैसे मिनिमम जो होता है कि ना 40 मार्क्स लाने जनरल को और 30 मार्क्स लाने आपको एस सी एस टी को, ओबीसी के लिए 35 होते हैं 100 का, जो आपका दो पेपर होंगे, ठीक है, इतने परसेंट आपको स्कोर करना होता है। तो अगर नहीं कर पाते खाली सीट तो खाली बेकार नहीं जाने देते, आपस में दे देते हैं एक दूसरे को। अगर यहाँ भी नहीं मिल रहा है कोई तो फिर वो सीट खाली चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें ये होता है एस सी एस टी का तो मैंने आपको बता दिया। अब ओबीसी के केस में दोस्तों मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन शायद से ऐसा होता है कि अगर ओबीसी की सीट खाली हो तो एस सी एस टी को दे दी जाती है, लेकिन यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन जो ये मैंने बताई है तो ये नियम चलते हैं। आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लोगे तो वहाँ भी आपने ये वाले नियम देखे होंगे, ठीक है। ओबीसी के केस में ऐसा होता है शायद से दे दी जाती है, लेकिन दोस्तों आप ये मानकर चलो इनकी सीट तो इनको दे दी जाती है, जैसे जनरल की तो इधर जा सकती है सीट, लेकिन एस सी की इधर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये इस वेव में तो जा सकती है सीटें ही, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ओबीसी का मैंने आपको बता दिया शायद से इसमें ऐसा ही होता है कि अगर इसकी सीट खाली होती है तो इधर एस सी एस टी को दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा रेयर चांस होते हैं, ऐसा बिल्कुल कंफर्म तो आप स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ठीक है। ये रेयर चांस होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मैं जनरल जो वाली आपको बता रहा था, ठीक है, जैसे 70 सीट मैंने आपको एससी की बताई थी वो कैसे होती है। अब मानकर चलो आपने 200 नंबर का टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, उसकी जनरल की कट ऑफ जाती है 100, एससी की चली जाती है आपकी 85, ठीक है। ये वाला मैं आपको एससी का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, एसटी में भी वही चीज़ होगी, ठीक है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो जनरल की कितनी कट ऑफ गई दोस्तों, 100 गई, और एससी की गई 85। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसके 100 नंबर आ जाते हैं, जनरल वालों को तो 100 ही लाने पड़ेंगे, लेकिन कैटेगरी वाले में मान के चलो 85 से ज़्यादा आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ही 85 गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसके 100 या 100 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, मतलब जितनी जनरल की कट ऑफ गई है उतने मार्क्स आ जाते हैं उसके, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस अभ्यर्थी एस सी या फिर एस टी कैंडिडेट को जनरल की सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसे जिस सीट दे दी जाएगी तो जनरल की बचेगी फिर 49, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक सीट लेगा तो 49 बचे, अगर और आएंगे तो फिर 48, 47, ठीक है, ऐसे बस घटती चली जाएंगी। तो अगर कोई एस सी एस टी का कैंडिडेट अच्छे मार्क्स ले आता है, जनरल जितनी जनरली कट ऑफ गई है तो उसे जनरल की सीट दे दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये वाली बात, कि टोटल 70 सीट हो गई, 20 में तो अपने में फाइट करेगा ही करेगा वो, और अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाते तो वो इधर चले जाएगा। अब इधर 20 सीट थी मान के चलो, जो सबसे किसी ने टॉप करा तो इधर 19 बची, क्योंकि टॉपर एक ले गया, लेकिन अगर उसके मार्क्स इतने अच्छे जनरल जितने तो वो जनरल में चले जाएगा, इधर दोबारा से 20 हो जाएंगी सीट दोस्तों, ठीक है। और इधर जो वेटिंग में होगा ना उसको वो सीट मिल जाएगी, क्योंकि मान के चलो किसी ने टॉप करा वो तो जनरल जितने मार्क्स लिया तो इधर जाएगा, तो सीट तो इधर बची जाएगी। तो सीट जो वेटिंग में होंगे ना, मान के चलो इधर 20 सीटें टोटल, 20 में से मान के जो स्टार्टिंग के 20 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी इधर जनरल में चले जाएंगे, फिर जो 21 22 23 पे होंगे ना, तो एक एक करके अगर जितनी भी सीट खाली होंगी तो उनका सिलेक्शन होता चले जाएगा, ठीक है। तो ये नियम होते हैं दोस्तों, ये सेम आपका एस टी में भी चलेगा। लेकिन दोस्तों इधर एक टर्म्स भी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर कोई एस सी एस टी कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी का, अगर वो जनरल की सीट ले रहा है, जैसे कि मैंने बताया किस नियम के अनुसार वो ले सकता है, अगर ऐसे जनरल की सीट ले रहा है तो उसे उसके योग्य भी होना जरूरी है। अब उसने एग्ज़ाम पास करके यहाँ तो योग्यता दिखा दी उसने, ठीक है, वो जनरल जितने मार्क्स लिया है तो इससे तो सिद्ध हो गया कि भाई वो योग्यता रखता है जनरल जितनी। लेकिन दोस्तों इधर बिल्कुल वो मत सोचना कि जनरल जितनी योग्यता रखता है ये वो, मतलब ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले भी काफ़ी योग्यता रखते हैं, लेकिन मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। तो अगर वो जनरल जितने मार्क्स ले आता है तो उसने ऐसे दिखा दिया एग्ज़ाम की दृष्टि से कि भाई योग्यता रखता है, लेकिन जब उसने फॉर्म भरा था तब भी उसकी योग्यता जनरल जितनी ही होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के दौरान। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एज का एग्जाम्पल देके चलता हूँ, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन सारे तो बता नहीं सकता मैं, ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। केवल एक एग्जाम्पल देके चलते हैं एज का, ठीक है। अब मानकर चलो आपको मानकर क्या चलना, आपको पता ही है कि भाई 32 वर्ष मैक्सिमम एज है किसके लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है, और एससी एसटी को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाती है, तो इनके लिए हो जाती है 37 वर्ष। तो जनरल के लिए 32 वर्ष और एससी एसटी के लिए 37 वर्ष, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी कैटेगरी का है, कैटेगरी के दौरान उसने जब फॉर्म भरा था तो उसकी 32 या 32 से कम उम्र है, तो एज के मामले, मतलब जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम भी वो पूरी योग्यता रखता था जनरल जितनी, ठीक है, तो उसे वो जनरल को जो एस सी एस टी अगर अच्छे मार्क्स ले आता है तो उन्हीं को ही केवल ये वाली सीट देखने को मिलेगी जो जनरल की है, उसमें वो जा सकते हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है, मान के चलो उसकी 32 साल से ज़्यादा उम्र है, तो उसने यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया एज की दृष्टि से, तो मान के चलो उसकी 34 साल उम्र है, तो 34 साल है उसकी उम्र, ठीक है, तो एलिजिबल तो है, वो फॉर्म तो भर सकते हैं, क्योंकि इधर मैक्सिमम इस तो 37 वर्ष है रिजर्वेशन कैटेगरी की। लेकिन दोस्तों जब वो यहाँ 34 वर्ष रख सकता है, ठीक है, तो लेकिन इधर जब फॉर्म भरते टाइम भी योग्यता रखनी जरूरी है, तो इधर देखिए मैक्सिमम एज कितनी है जनरल की 32, तो इस केस में क्या होगा, लेकिन उसने तो 34 में फॉर्म फिलअप करा है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, चाहे वो कितने अच्छे नंबर लिया है, अगर वो एससी है तो एससी में फाइट करेगा, एसटी है तो फिर एसटी में फाइट करेगा, ठीक है, बाकी आपस में एक दूसरे वो वाली बात अलग है, ठीक है, लेकिन वो जनरल में नहीं जाएगा फिर वो, ठीक है, तो हर तरह से योग्यता दिखानी पड़ेगी जनरल जितनी, जब भी जनरल की सीट मिलेगी एग्जाम की दृष्टि से दिखानी पड़ेगी, और बाकी जो आपने एग्जाम फॉर्म जब भराता था उस दौरान जो भी जनरल की जो भी टर्म्स थे, तो वही आपको वहाँ भी योग्यता दिखानी पड़ेगी, तो इस दौरान ही आपको जनरल की सीट जा सकती है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं मानता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं केवल इससे रिलेटेड, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी इस विषय में नहीं जानते, मतलब इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते, चाहे तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए है, और शिक्षकों से संबंधित ही हमारे चैनल पर सारी की सारी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस एसकासे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।